वैलेंस का, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, यूएई, जिद्दा और ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, सखी, सखी का मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड लाइन डेवलपमेंट होता है। इसमें सभी से क्या होती है, बड़े से रिस्पॉन्स होता है, मेडिकल असिस्टेंट, एसिस्टेंट टू वुमेन, साइकोलॉजिकल, वीडियो निर्भया फंड से बना, आर्टिकल 1 ऑफ यू डिक्लेरेशन में आता है। ठीक है, पीएम केयर्स देख लो, कोविड सपोर्ट, कोविड का, कोविड फैमिली को जिन्होंने दोनों बच्चे खो दिए, दोनों पैरेट खोल दिया, फिर लीगल गार्जियन खोल दिया है। ठीक है, 10 लाख देते बच्चों को देते जब तक वो 10-18 साल का ना, फिर 5 साल तक उसको सपोर्ट देते हैं, 5 साल तक सपोर्ट, मतलब 23 साल तक उसको फुल कॉर्पस मिल जाए, 1 लमसम। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय फिर प्राइवेट स्कूल में उसको ड्रेस वगैरह को देंगे, एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक, मतलब सेंट्रल स्कीम से डिजिटल स्कूल भी, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय मतलब। ठीक है, सपोर्ट फॉर हायर स्कूल के एक्जिस्टिंग एजुकेशन नॉर्मल और इंटरेस्ट ऑन दिस लोन विल पेड बाय पीएम केयर से देते हैं। ठीक है, हेल्थ सुरक्षा आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर आता है, जिसमें हेल्थ का बरीदा पास लगा। ठीक है, निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है, सेकंड निगेटिव पॉजिटिव इंडिजेशन, मतलब कौन कौन से खुद रखना हुआ है, इनविगोर इंपेटस टू डू, मतलब डोमेस्टिक रिसर्च का बिल्कुल देना है, स्टार्टअप देना है, विल ऑनली प्रोक्योर सच आइटम फ्रॉम डोमेस्टिक मिलकर कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं। सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, गन पाउडर फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में। ठीक है, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल सिटी से बनाता है, ऑटोनॉमी से सही होता है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो कि मोड्स के द्वारा होता है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिटनेस टेस्टिंग का गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल 15 साल से ज़्यादा पुराने के लिए होता है, प्राइवेट व्हीकल 4 और 20 साल के लिए उसको इंक्रीज करता है रजिस्ट्रेशन फी को, रोड टैक्स रिबेट 25% देता है पब्लिक पर्सनल व्हीकल का, 50-15% के कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग केबल टीवी नेटवर्क, तो 3 लेवल ग्रेवियन ब्रॉडकास्टर का, दूसरा में क्या है सिर्फ इलेक्ट्रिक बॉडी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग, दूसरे का ओवरसाइट बाई इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल कमिटी। ठीक है, प्रोसीजर फॉर ग्रेवियंस रिड्रेसल, ब्रॉडकास्टर के लिए होता 15 साल तक के लिए सेलिब्रेटिंग बॉडी सेटअप टेलीविजन होता 7 दिन के लिए, तो 50 दिन से कंप्लेंस लेकर अपील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंटर डिपार्टमेंट कमिटी जो कि सेटअप करता है ओवरसाइट मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, प्रेजेंट इंटर मिनिस्ट्री कमिटीज को देता है इसका कोई स्टेटिफिक बॉडी सिग्निफिकेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना। ठीक है, केवल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 2 साल तक या फिर फाइन देता है 1000 रुपये दोनों होता है, प्रोग्राम कोड होता है लिस्ट ऑफ डॉन्ट फॉर केबल नेटवर्क टीवी प्रोग्राम के लिए MCA 21 विजन ये हो गया। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है ये। ठीक है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ई गवर्नेंस होता है ये। ठीक है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ई गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइवर फॉरवर्ड लुकिंग इन प्रोजेक्ट इन डिविजन टू स्ट्रेंथन फॉर प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनहांस करते यूजर को फैसिलिट करता है, सीमलेस इंटीग्रेशन इन डेटा एक्सचेंज अमंग रेगुलेटर्स, एडिशनल मॉड्यूल्स ऑफ ईज ई कंसल्टेंसी कंप्लायंस मैनेजमेंट होता है। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजर DPIIT होता है जो कि मेजर करता है नीडेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन स्टार्टअप के लिए होता है, फंक्शन का कल्चर होगा, इनोवेशन सपोर्ट करता है, क्रिएटिव इनोवेटिव आईडी को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंटर होता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम, ठीक है, ये तुमको कहता है स्टार्टअप स्कीम क्या तुमको ये फाइनेंशियल स्टेंट देता है, अब इसमें क्या होता है 945 करोड़ का कॉर्पस इसको 4 साल तक खर्च करना है, नोडल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल टेक्नोलॉजी का सिक्योर कर रहा है, सीड फंडिंग और इंस्पायर इनोवेशन और सपोर्ट करता है ट्रांसफॉर्मिंग का, तो फैसिलिटी का इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करता है स्मार्ट स्टार्टअप रेवोल्यूशन। ठीक है, टीयर टू सिटीज में होता है ये, एबिलिटी ऑफ कैपिटल होता है, फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स होता है, वेंचर कैपिटल होता है, और ये तुमको सीड फंडिंग आता है स्टार्टअप विद एन इनोवेटिव लीडर। ठीक है, ई संता इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जिसमें एक्वा फार्मर और बायर होता है, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्रीज को अंडर है। ठीक है, बेटर प्राइस और एक्सपोर्टर होता है, डायरेक्ट परचेज क्वालिटी के लिए मिलता है, इस अंतर क्या तुमको क्वांट बाई वेब पोर्टल के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ नक्सा फार्मर ट्रेडिंग कोडिंग। ठीक है, रेज मतलब क्या, रेज द लाइफ से इनकम ऑफ फार्मर आता है, रिड्यूसिंग रिस्क करता है, अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट के लिए होता है, इंक्रीज इनकम करता है, शील्डिंग करता है अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस ईज ऑफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, IPDS कहता है 50 किलो वाट पावर, ये सोलर रूफ टॉप है जिसको मिनिस्ट्री पावर के अंडर आता है, गो ग्रीन इनिशिएटिव के अंडर आता है, स्ट्रेंथन करता है सबमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फीडर कंज्यूमर के लिए होता है, IT इनेबल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, तो ITNC लॉस स्टेबलाइज करता है, IT इनेबल्ड अकाउंटिंग और इंप्रूव करता है, बिलिंग एनर्जी बेस्ट के लिए। ठीक है, RADP रिड्यूस रीस्ट्रक्चर एसोलेटेड पावर डेवलपमेंट और स्टेबलाइज करता है, बेस लाइन डेटा को फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी करता है, रिडक्शन ऑफ ATC लॉसेज करता है 15%। ठीक है, 9th प्लान में आया, 11th प्लान में आया था। ठीक है, RDSO क्या तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वन स्टैंडर्ड के अंडर था BIS में। ठीक है, पार्टिसिपेशन करता है, कॉम्पिटेटिव होता है, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए करता है, रिडक्शन ऑफ लेटेस्ट इन्वॉल्विंग ओवर टेक्नोलॉजी के लिए होता है, इंप्रूव करता है एज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए होता है, तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड तक हम करेंगे, केरला रेल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन मिलकर इसको करेंगे। और केरल स्टैंडअप इंडिया तुमको वुमेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है, स्टैंडअप इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप देता है, ग्रासरूट लेवल पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और गुजरात ऑपरेशन देता है, बैंक लोन होता है 10 लाख से लेकर 1 करोड़, तो CDBI नबार्ड क्या था इसको स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर बोलते हैं, ST और SC और वुमेन के 15 साल में 51% शेयर होल्डिंग के लिए देता है, और इनके इंडिविजुअल में एटलीस्ट कंट्रोल स्टेट सुबह इधर
51% SC ST या फिर वुमेन के लिए पास हो, ठीक है। अब मॉडल पंचायत स्कीम 29 सेक्टर होता है जो कि अलाइन करता है सेक्टर को, जिसमें लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोन होता है, स्ट्रेटजी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIDB होता है, डिलीवरी पब्लिक सर्विसेज होता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रास इनहांस करता है सिटीजन सर्विस को, 243G में आता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम 1981 में पहली बार किया, छह प्रिंसिपल क्वालिटी चॉइस स्टैंडर्ड वैल्यू अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये होगा स्वामित्व स्कीम, ये पंचायती राज दिवस में मनाया जाता है, 24 अगस्त में होता है, ठीक है। अब अगला क्या है, साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम, ये क्या होता है, स्टेट पुलिस सब्सिडियरी में होता है, स्टेट सब्जेक्ट में सेवन शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट होता है, इंडियन साइबर कॉम साइबर जो 500 वो फ्लैग करेगा, मतलब वॉलंटियर रूप में काम करेगा और ये फ्लैग करेगा खराब कंटेंट को, ठीक है। देखो स्टेट नोडल ऑफिसर, ये कहता है ऑफिसर राइट टू टेक लीगल एक्शन ऑन द वॉलंटियर इन केस ऑफ वॉलेशन टर्म कंडीशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। स्टेट की लिबर्टी है नाम मिस्टेक फॉर्म इसका यूज करना, मिस यूज नहीं करना, विड्रॉल कंप्लीट करना, नॉट क्रिएटिंग नहीं है, सिंगल पर्सन यूनियन राइट ऑफ प्राइवेसी को क्रिमिनलाइज किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हटाया, ठीक है। सेज कहता है, सेज क्या होता है, तो मुझे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, लॉन्च करता है सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ वन स्टॉप एक्सेस है ओल्डरली केयर पोर्टल को, करते हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट 1 करोड़ तक देता है वन टाइम इक्विटी में। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूल ऑफ ग्रास रूट रिहेबिलिटेशन वर्कर होता है जो कम्युनिटी लेवल में काम करता है, जो कि वर्कर था आशा के रूप में आंगनवाड़ी वर्कर में, ताकि ये हैंडल कर सके क्रॉस डिसेबिलिटी इशू को, ठीक है। दिव्यांग मित्र होता है इसमें, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिहेबिलेशन अंडर द रिहेबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड हाउसिंग स्कीम, ये कहता है स्पेशल सेंटर का स्पेशल विंडो है जो कि अफोर्डेबल मिड हाउसिंग के लिए होता है स्वामी, ये तुमको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि दिवाली पार्क में है सब अर्बन मुंबई में, स्वामी फंड, ये कहता है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड रेरा अफोर्डेबल और मिडिल इनकम हाउसिंग में करता है, ठीक है। क्रेडिट टू AIF अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टर मैनेजमेंट ऑफ द फंड इज SBI कैप वेंचर स्पॉन्सर ऑफ द फंड का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट मिस्टर फाइनेंस को करता है। इट स्मार्ट सिटी इट इंडिकेटर आता है प्रमोशन जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा उसके लिए करता है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री करता है प्रोडक्शन नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। 18 करोड़ प्रोडक्ट लिंक स्कीम इसमें आता है जिसमें टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्री बनाएंगे ताकि बैटरी बनाएंगे, ठीक है। अब एडवांस केमिकल इसमें क्या आता है, तो एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी जिसमें स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को आते इलेक्ट्रोकेमिकल्स में या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते बैक टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इंपोर्टेड इंडिपेंडेंस में, ठीक है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको मिलकर करते हैं, नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कम्प्लेक्स लोथल गुजरात में रिक्रिएशन ऑफ एनसी लोथल सिटी बनाएंगे, ठीक है। PM दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स में लेकर 2 लाख देता है, कर्नाटक के तेजस्वी बाई को कर दिया असिस्ट करता आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का और लमसम एक्स ग्रेटा असिस्टेंट देता है ताकि आउटस्टैंड कर सके स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है, नाउ लिविंग इंडिजेंटली इंजर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई करता है फंड ऑफ द फंड, ठीक है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, कोविड होम सपोर्ट देते 20 लाख सिटीजन को, लोकल लीडर सर्विस वॉलंटियर को एक साथ लेके काम करेंगे। पोषण ज्ञान नेशनल डिजिटल प्रोजेक्ट होता है, होल नीति आयोग का इनको विद बिल मेलिंडा फाउंडेशन और केयर फॉर सोशल अशोका यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करता है, ठीक है। चारा थीमेटिक एरियाज है हेल्थ न्यूट्रिशन का, ठीक है। मॉडल ट्रेनेंसी एक्ट ये था, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी है ट्रेनेंसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के लिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लॉर्ड प्रॉपर्टी मैनेजर होता है जिसका काम का एसेंशियल सप्लाई करता है, कंपनसेशन इन केस ऑफ नॉन वैकेंसी होगा और एक्सपायरी ऑफ एक्सटेंडेड राउंड ऑफ 6 महीने से ज्यादा, ठीक है। ईज द बर्डन ऑफ सिविल कोर्ट को होता है, अनलॉक करता है रेंट प्रॉपर्टी को जो कि लीगल स्पीड ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर टेंगल्स में। नेशनल फूड सिक्योरिटी सन राशन लीकेज है करप्शन है सेक्शन 12 है ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में NFC में, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। इंसेंटिवाइज स्टेट्स जो कि यूज कर सकते ई पोस्ट स्कीम में, ठीक है। वन नेशन वन मतलब राशन कार्ड इनेबल करता है माइग्रेंट वर्कर को उसकी फैमिली को ताकि बाइकर सब्सिडाइज राशन को किसी फेयर प्राइस से अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में इंप्लीमेंट करता है। ONRC को प्री कंडीशन फॉर एडिशनल बोर्डिंग बाय स्टेट के लिए ONRC कहते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी जो कि इन्वॉल्व करता है डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी राशन कार्ड आधार नंबर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ये पोस्ट का डिवाइस एट फेयर पर्सन में सपोर्ट किया जाता है 2 पोर्ट को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ IMPDS करता है अनवितरण होता है, ठीक है। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 इंपोर्ट करता डिवाइस को ताकि बिना पीरियड मैंडेटरी डिक्लेरेशन के 3 मंथ के लिए अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर फिर एडमिनिस्टर करता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को 2009 में अनुसूचित करता पब्लिक गारंटी को, ठीक है। अभी देखो नेशनल ड्रग साइकोट्रॉपिक्स ये कहता है रिकॉग्नाइज करता गवर्नमेंट सर्वेंट इन्फॉर्मर सोर्सेज को उनके रोल ताकि इनपुट दे सके रिकवरी के लिए क्वांटम ऑफ
रिकवरी रिकॉन्टमरी रिवार्ड्स में इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन फोर्टिफाइड के लिए होता है ठीक है। अभी तो यूनाइटेड स्टेट लिए तो इंडिया के ट्रीटी ऑब्लिगेशन है सिंगल कन्वेंशन के लिए यूएन कन्वेंशन के एक्सेसिव फ्रेमवर्क के ड्रग इंप्लीमेंटेशन का इंपावर क्या कहते हैं कल्टिवेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इंपोर्ट सेल सब के लिए ठीक है। परमिट करता है रेगुलेट करता है प्रोसेसन करता है ये सब चीज़ के लिए ठीक है। इंपावर टू डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट ऑन द बेसिस के लिए अपॉइंट करता है ऑफिसर को पर्पस ऑफ एक्ट के लिए ठीक है। इंडेमनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी प्रोटेक्ट करता है लीगल सूट्स को फ्रॉम एनी सीवियर साइड इफेक्ट के लिए। इंडेमनिटी मतलब क्या था सोशल सिक्योरिटी होता है जिसको आप लॉस के लिए यूज करते हैं अदर फाइलिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन एक पार्टी का ताकि कंपनसेट कर सके दूसरे पार्टी को एक्ट लिए ठीक है। ब्रिजिंग ट्रायल्स ब्रिजिंग ट्रायल्स क्या था लोकलाइज क्लिनिकल ट्रायल जो कि जनरेट करता है डाटा रिलेटेड टू इंपैक्ट ऑफ फॉरन मेडिसिन मतलब इंडिजिनस मतलब बाहर से कोई मेडिसिन है वो अपना टेस्ट हो गया बट इंडिजिनस प्रॉब्लम में आपको टेस्ट करना पड़ेगा तो उसको ब्रिज ट्रायल बोलते हैं ठीक है। एक्सेप्शन इंडिविजुअल क्या होता है निगलिजेंस और ग्रोस इंटेलिजेंस के लिए हो गया इंप्रॉपर यूज के लिए होगा बैड फेथ प्रॉपर के लिए होगा ठीक है। एनपीआर स्लिप ये तो क्या होता है सब्सिडाइज नेशनल पॉपुलेशन स्लिप है जो प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट पॉपुलेशन के लिए है ये ठीक है। 10 डॉक्यूमेंट इसमें होता है जिसमें एलटीबी में आता है एक्वायर करता है इंडियन सिटीजन को आता है नेचुरलाइजेशन सिटीजन को और इसमें कौन कहता है हिंदू सिख जैन पारसी क्रिश्चियन बुद्ध ये सब। एलटीबी का होता है वन जो प्रमोट करता है होल्डर को स्टे इन इंडिया लॉन्गर 180 मतलब 6 महीने से ज्यादा रहने के लिए ठीक है। एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार पैन और ड्राइविंग लाइसेंस का बाय प्रॉपर्टी भी कर सकते ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 साल के लिए तो बिफोर अपलाइंग के लिए और कोई भी पर्सन जो मेरिट कर चुका है इंडियन सिटीजन से ऑर्डिनरी 7 साल से उसके लिए ठीक है। माइनर सिटीजन क्या मतलब चिल्ड्रेन ऑफ हुआ सिटीजन ऑफ चिल्ड्रेन होगा नेचुरलाइजेशन का गया तो फीस ही इज नेचुरलाइजेशन का मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया 12 साल के लिए हॉल मार्किंग गोल्ड ये कहता है एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोपोर्शन का डेट ऑफ रिसेंट मतलब गारंटी ऑफ प्योरिटी ऑफ फाइनेंस को ठीक है। बीआईए इसको देता है। अभी देखो इंटरनेशनल एक्सिबिशन ज्वेलरी इसको एग्जेम्प्ट करते हैं और वाचिस हॉन्टेड पेज सबको भी एग्जेम्प्ट करता है ठीक है। बिगेस्ट इंडिया का बिगेस्ट कंज्यूमर रोड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गॉड है गोल्ड है ही नहीं इंडिया में तभी हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। कंज्यूमर डू नॉट गेट चीटेड प्योरिटी ट्रांसपेरेंसी तीन चीज को देता है ठीक है। व्हाट लॉस ऑफ सेफ हार्बर मीन फॉर लॉस ऑफ मतलब इंटरमीडिएट हेडर आपने हटा दिया और नॉन कॉन्फॉर्मिटी रोल इंटरमीडिएटरी इज ए पर्सन एंटिटी दैट रिसीव स्टोर एंड ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रूल ठीक है। उनको लाइबल नहीं डाल सकते थ्री पार्टी कंटेंट पब्लिश्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म एज पर एज कंप्लाई विद द लीगल ऑर्डर टू टेक डाउन गवर्नमेंट सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के लिए होता है ठीक है। इट इज द कोर्ट नॉट द गवर्नमेंट हु विल डिसाइड नहीं करेगा ठीक है। आईटी रूल्स ये तो कोड ऑफ एथिक्स होता है थ्री टायर ग्रेवियंस रिटर्न में था द इनफेक्चर टेक्नोलॉजी ये रूल्स में आता है आर्टिकल में ग्रेवियंस रिटर्सल बनाना ओटीटी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उसका नोडल कंप्लायंस जो कि टच होगा 24/7 ग्रेवियंस ऑफिसर है जो कि रजिस्टर करेगा ग्रेवियंस को 24 आवर के लिए डिस्पोज करेगा ठीक है। रिव्यू करेगा 24 आवर के अंदर और कंप्लायंस जब मेड हो मंथली रिपोर्ट होगा ठीक है। तीन लेवल बॉडी होता है सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी और हायर बाई चीफ रिटायर्ड जज या फिर एमिनेंट पर्सन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर होता है जो काम के सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियट को देखना ठीक है। बैन भी हो सकता है और इंटरमीडिएट का स्टेटस खो सकता है जो कि अभी ट्विटर के साथ हुआ है। जीवन वायु क्या पावर फ्री सीपीएपी डिवाइस जो कि जो आई टी रोपन को बोला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरबेस जो कि मशीन को हेल्प करता है अपन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप के लिए ब्रिथ मोर लीडिंग इंक्रीज करता है एयर प्रेशर को ऑन थ्रोट में। यूनिफाइड कमांड ऑफ द थ्री सिस्टम ये करता है सिंगल कमांडर है जिसमें स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी कंसर्न है ठीक है। अब देखो अनसरेबल नहीं इंडिविजुअल के लिए डुप्लीकेशन नहीं है। सिकातर कमेटी जो कि रिकमेंड करता है क्रिएशन ऑफ थ्री इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को नॉर्दर्न फॉर चाइना के लिए वेस्टर्न फॉर पाकिस्तान के लिए साउदर्न फॉर मेरीटाइम रोल के लिए ठीक है। अभी देखो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड करता है इंटरनेट आईएन रजिस्ट्री मैनेजिंग और ऑपरेशन ऑफ आईएन कंट्री कोड होता है और भारत आईडीएन डोमेन को करता है ठीक है। बायोटेक किसान प्रोग्राम फार्मर सेंट्रिक स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से मिलकर करता है। पैन इंडिया प्रोग्राम जिसमें हब एंड स्पोक मॉडल होगा स्टिमुलेट कर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इनोवेशन फार्मर एम्पावरमेंट ठीक है। लोकल फार्मेटर का तो बहुत जेनरिक होता है। मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी इसके काम के डेवलपमेंट ऑफ मेरीटाइम सेक्टर और इंटीग्रेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेजर और माइनर पोर्ट के लिए ठीक है। डेवलपमेंट करता है प्रोजेक्ट सी वर्ड लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि नेवल बेस कारोबार में ठीक है। वाई हाउ टू क्रिएट ए डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला 23rd डिजिट था पंजाब में क्रिएट करने अल्टर ऑब्लिस ये स्टेट का रोल है ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पास बाई लॉ इन द स्टेट असेंबली के थ्रू होता है ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला स्टेट वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट और रेलवे स्टेशन सब भी उसको लेना पड़ेगा स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का और रेलवे स्टेशन का नाम के लिए नोबिलिटी का सर्टिफिकेट कहाँ लेना होगा एंड द रिप्लाई ठीक है। ऐसे पर्सन गारंटर लाइबिलिटी फॉर कॉर्पोरेट मूव अगेंस्ट पर्सन गारंटर होता है आईबीसी कोड के अंदर इंटरेस्ट कनेक्शन होता है बिटवीन पर्सन गारंटर कॉर्पोरेट इनिशिएट करते हैं इंसॉल्वेंसी पोर्टल अगेंस्ट पर्सन गारंटर में और जो यूजुअली प्रमोटर ऑफ द बिजनेस ठीक है। डी वोट आपको ये कहते हैं जिसको फॉरन ट्रेड में उसको मार करता है ये क्योंकि अपना सिटीजन प्रूव नहीं करता आफ्टर दिस स्विस बॉडी विंग मार्क हिम एज इलीगल माइग्रेंट थ्रू फॉर ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ये 35 साल का एज होता है 7 साल का प्रैक्टिस होता है। रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम आसाम जुडिशियल या फिर रिटायर्ड आईएएस ये सब चीज़ें होते हैं इनको ठीक है। आईएएस और आईएसीएस आसाम से जा सकते ठीक है।
मिस्टर होम फिर उसने बोला कि इंपावर का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोलता है कि लेना है कि नहीं लेना वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इंपावर का इंडिविजुअल को ताकि अप्रोच करे ट्रिब्यूनल को। बेल ऑफ फेथ स्कीम सीनियर सिटीजन जो स्टेइंग अलोन इन विलेज के लिए होता है। ठीक है, बेल ऑफ फेथ क्या होता है, केरला कम्युनिटी पुलिसिंग सर्विस का अट्रैक्टिव तरीके से देयर नॉट यूजिंग लैंड लाउड रिमोट कंट्रोल अलोन में होता है। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं ताकि वेलबींग हो और सेफ्टी ऑफ द एल्डरली। ठीक है, प्ली टू डिक्रिमिनाइज बेगिंग। ठीक है, 18 अगस्त 2020 हाई कोर्ट में डाला गया है कि अब डिक्रिमिनाइज कर बेगिंग को बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू में जो भी बेगिंग का वो क्रिमिनल होता है अनरिजनेबल चॉइस ऑफ इलेक्टर आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और गारंटी को हटाता है। बॉम्बे प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी 1959 में बनवाया था। रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंस ऑफ इंडिया नागालैंड गवर्नमेंट ने आरआर एक्सरसाइज किया। प्रेजेंट करता आउटसाइडर को ऑब्टेन करता है फेक इंडिजिनियस सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग जॉब और बेनिफिट के लिए करता है। मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल इंडिजिनियस इनहेबिटेंस होता है। एक्सटेंसिव सर्वे की बात करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इंडिजिनियस रेजिडेंट जो कि रूरल और अर्बन वार्ड से लेते हैं और सुपरविजन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, December 1, 1973 मतलब नागा डे से लेके कट ऑफ डेट उसको रखा गया है। उसके बाद जो भी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन इंडिजिनस नागा जो कि जिसको हम इंडिविजुअल बोल सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे टॉप किया है इसमें। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स को करता है मेजर करता है प्लुरलिज्म मीडिया इंडिपेंडेंस क्वालिटी ऑफ लीगल फ्रेमवर्क एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक, कुछ सिनेरी है जो कि 20 लैंग्वेज में करता है और एक्सपर्ट वो करता है। मानस ऐप, मानस ऐप क्या होता है तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन ऐप जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बाय द पीएम वही प्राइम मिनिस्टर स्टेट टैग और एडवाइजरी काउंसिल इसको मिलकर उसका डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म जो ऐप डेवलप करता है ऑगमेंट करता है मेंटल वेलबींग ऑफ द इंडियन सिटीजन के लिए। बस खत्म, इतना ही।